नमस्ते। इंडिया, कनाडा, पंजाब और गुजरात से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल इंडियन टाइम्स डेली .com पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में सरकार के नोटबंदी के फैसले का एक सर्वेक्षण में 93% से अधिक लोगों ने समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने इसे झूठा सर्वेक्षण बताया है। और नोटबंदी के बाद से जनधन बैंक खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। पंजाब में पाकिस्तानी विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज अगले महीने अमृतसर में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। और SYL के मुद्दे पर विरोध प्रकट करते हुए कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने लोकसभा में अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया। कनाडा में कंजर्वेटिव MP ब्लेन कैलकिंस ने कहा कि PM ट्रूडो ने लॉ की स्पिरिट के साथ साथ अपने ही एथिकल स्टैंडर्ड्स को तोड़ा है। और कनाडा 2020 ने हाल ही में एक नया डोनर एग्रीमेंट शुरू किया है, जिस पर पैसा देने वाली कंपनी या ग्रुप के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम भारत, पंजाब और कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।